अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज हम पढ़ेंगे इमोशन के बारे में कि इमोशन क्या होता है, हम इमोशन को किस तरह से फील करते हैं और इमोशन की कौन कौन सी थ्योरीज होती हैं। तो इट वुड बी अ ब्रीफ लेक्चर अबाउट इमोशन। तो इमोशन की जब हम बात करते हैं तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत से लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं और डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे में हम डिफरेंट इमोशंस जो हैं वो फील कर रहे होते हैं। हम कभी सैड होते हैं, कभी हम एंग्री होते हैं, कभी हम हैप्पी होते हैं। तो ये सब क्या होती हैं, हमारी इमोशनल स्टेट्स होती हैं। ये इमोशनल स्टेट्स कहाँ से आती हैं, किसी ना किसी इमोशन पे बेस कर रही होती हैं, ठीक है। तो टुडेज़ लेक्चर विल बी ऑल अबाउट इमोशंस। तो इमोशंस की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि वर्ड इमोशन का हमारे पास ओरिजिन क्या होता है। इमोशन जो है वो हमारे पास एक लैटिन वर्ड इमूवर से निकला है, ठीक है। यानी इमोशन का जो ओरिजिन है वो इमूवर है और इमूवर का मीनिंग है टू ट्रेम्बल। ट्रेम्बल मीन्स कांपना, शिवर करना या शेक करना, और टू शेक यानी लैटिन वर्ड है हमारे पास इमूवर, उसका मीनिंग है टू ट्रेम्बल और टू शेक। अच्छा जी, अब डिफरेंट बिहेवियरिस्ट जो हैं हमारे पास, डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट, उसका डिफरेंट जो है वो वे में एक्सप्लेन करते हैं इमोशन को। हमारे पास एक डेफिनेशन हम इमोशन की ये है कि इमोशन जो है वो अफेक्टिव एस्पेक्ट है इंस्टिंक्ट का। अफेक्टिव एस्पेक्ट क्या होता है, अफेक्ट मतलब कि वो जो हमारी फीलिंग से रिलेट कर रहा होता है। साइकोलॉजी की टर्म में आप अफेक्ट उस चीज़ को कहते हैं जो आपकी फीलिंग से रिलेट कर रहा होता है। तो यानी ये अफेक्टिव टर्म है आपके इंस्टिंक्ट के लिए। इंस्टिंक्ट क्या होता है, आपका वो बेसिक इमोशन होता है जो आप किसी भी चीज़ को लेके फील करते हैं, ठीक है जी। एक डेफिनेशन हमारे पास ये है कि इमोशन एक ऐसा जो है वो फिनोमिना है कि वो हमें स्टेट ऑफ अराउजल देता है। स्टेट ऑफ अराउजल मतलब कि आपकी बॉडी में ऐसे फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं, इस तरह से वो रिएक्शंस क्रिएट होते हैं कि क्या होता है कि उनकी बेस पे आप डिफरेंट काम करते हैं। यानी जब आप हैप्पी हैं तो क्या होगा कि आपका जो ब्रेन है वो हैप्पीनेस के जो केमिकल्स है, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है, वो आपके ऐसे केमिकल रिलीज़ करेगा कि आप में हैप्पीनेस की जो है वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगी और आपका फेस थोड़ा सा ब्लश करने लग जाएगा और आपकी आईज़ जो है वो विंक करने लग जाएंगी और आप क्या करेंगे, हैप्पी फील करेंगे। तो ये एक स्टेट ऑफ अराउजल है एक डेफिनेशन के मुताबिक। एक डेफिनेशन हमें ये कहती है कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं जो परसेप्शन से ली जाती हैं। परसेप्शन क्या होती है मैं आपको लास्ट लेक्चर्स में बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास डेफिनेशंस हैं इमोशन की। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इमोशन की बेसिक जो है वो साइकोलॉजी वो क्या होती है। साइकोलॉजी ऑफ इमोशन, साइकोलॉजी ऑफ इमोशन में सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या आता है, यूनिवर्सैलिटी। यूनिवर्सैलिटी मीन्स जैसा कि यू ऑल नो कि यूनिवर्स से क्या मुराद होती है, यानी यूनिवर्स से वो मुराद होती है कि सारे जो लिविंग बींग्स होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो उसमें आ रहे होते हैं। तो यूनिवर्सैलिटी का क्या मतलब है कि इमोशन एक ऐसी चीज़ है जो कि इस यूनिवर्स का हर जो जानदार है, जो लिविंग बींग है, वो फील करता है। अब इस यूनिवर्सैलिटी के अंदर ह्यूमंस की कैटेगरी भी आ जाती है और एनिमल्स की कैटेगरी भी आ जाती है। ह्यूमंस भी हैप्पी, सैड, एंगर, ये सारे इमोशंस जो हैं वो फील करते हैं और एनिमल्स भी करते हैं। लेकिन एनिमल्स में चूँकि इतनी ज़्यादा जो है इतनी एब्स्ट्रैक्ट उनकी रीजनिंग नहीं हो रही होती, उनके ब्रेन के पास इतनी अच्छी स्किल्स नहीं होती, उनके पास इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, उनकी इतनी अच्छी लर्निंग नहीं होती,
तो क्या होता है कि एनिमल्स थोड़े से अपने इमोशंस को शो करने में थोड़े से वाइल्ड होते हैं और डायरेक्ट होते हैं, जबकि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो थोड़ी सी सिविलाइजेशन सीखे हुए होते हैं, तो क्या होता है कि उनका इमोशनल एक्सप्रेशन जो है वो थोड़ा सा बैलेंस्ड होता है, थोड़ा सा इनडायरेक्ट होता है, थोड़ा सा डिसेंट होता है, उसमें मैनरिज्म क्रिएट हो जाता है। ठीक है, जब हम सोशलाइज करते हैं, हम डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, तो हम ये सीख जाते हैं कि हमें अपने इमोशंस की मास्किंग कैसे करनी है, हमें किस चीज़ पे किस तरह से रिएक्ट करना है, क्या चीज़ जो है वो एक्सेप्टेबल होगी, क्या चीज़ नहीं होगी, जबकि एनिमल्स को ये चीज़ नहीं पता होती, क्योंकि वो वाइल्ड एनवायरनमेंट में रहते हैं, वो नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हमारे इमोशंस फीलिंग से कैसे रिलेट कर रहे होते हैं। फीलिंग से हमारे इमोशंस कैसे रिलेट कर रहे होते हैं, इट इज़ द सब्जेक्टिव कंडीशन ऑफ द इंडिविजुअल दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द स्टिमुलेशन ऑफ ऑर्गन्स। अच्छा, कि फीलिंग्स जो हैं, जब फीलिंग्स हम डिफरेंट चीज़ों को लेके हम डिफरेंट तरह से फील करते हैं उनके बारे में, तो क्या होता है कि हम जो है हमारी जो उस टाइम जो हमारी फिज़िकल कंडीशन होती है, जो हमारा उस चीज़ को लेके कुछ हमारा इमेज होता है जिस चीज़ के बारे में हम फील कर रहे होते हैं, तो वो अफेक्ट कर रहा होता है हमारी फीलिंग्स को। लाइक कैसे कर रहा होता है कि आपकी आपके जो सिबलिंग्स होते हैं, ऑब्वियसली आपके उनके साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो जब आप उनके साथ बात करेंगे तो जो आपके दिल में जो उनके लिए फीलिंग्स होंगी और आपका उस टाइम जो एक सब्जेक्टिव एलिमेंट होगा फीलिंग का, वो आपकी उस इमोशन को जो है वो डील कर रहा होगा जब आप उनसे बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि आपको आपके दिल में उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर होगा, एक अफिलिएशन होगी, एक अफेक्शन होगी। अगर वही उसी तरह की बात आप किसी आउटसाइडर से कर रहे होंगे, किसी घर के बंदे से नहीं कर रहे होंगे, तो आप उससे ज़रा और तरीके से बात करेंगे। क्यों? क्योंकि उस पर्सन के लिए आपके दिल में वो वाली फीलिंग्स जो हैं वो नहीं होंगी। तो किसी भी इमोशन को फील करते हुए एक पर्सन की जो सब्जेक्टिव कंडीशन होती है उस पर्सन को लेके या उस सिचुएशन को लेके, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास एक कंसेप्ट आ जाता है कि इमोशंस की काइंड कौन कौन सी होती हैं। इमोशंस की हमारे पास कौन कौन सी काइंड्स होती हैं? इमोशंस या तो हमारे पास प्लेजेंट होते हैं या अनप्लेजेंट होते हैं। प्लेजेंट इमोशंस को हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास पॉजिटिव इमोशंस होते हैं। अनप्लेजेंट इमोशंस को हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास नेगेटिव इमोशंस होते हैं। प्लेजेंट इमोशंस कौन से होते हैं? वो इमोशंस जो हमें अच्छा फील कराते हैं, जिनको फील करते हुए हम अच्छा जो है वो खुद को महसूस करते हैं। जैसे आप किसी फ्रेंड से मिले हैं तो वो आपका एक प्लेजेंट इमोशन होगा, आपकी अच्छी फीलिंग्स डिवेलप होंगी, आप खुश होंगे। आप किसी ऐसे पर्सन से मिले हैं, आपका किसी ऐसे पर्सन से एनकाउंटर हो जाए जो ऐसा पर्सन आपको अच्छा नहीं लगता होगा, आप उसको लाइक नहीं करते होंगे, तो आपका दिल करेगा कि आपकी उसके साथ मीटिंग जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, आप भी अपने घर चले जाएं, वो पर्सन भी अपने घर चला जाए, तो क्या होगा कि उस सिचुएशन में आप अनप्लेजेंट फील करेंगे। तो ये आपका एक नेगेटिव इमोशन होगा, नेगेटिव फीलिंग्स जनरेट करेगा। प्लेजेंट इमोशन जब आपने फील किया था तो उसने पॉजिटिव फीलिंग्स को जनरेट किया था। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जी हम इमोशंस को एक्सप्रेस कैसे करते हैं। इमोशंस का जो एक्सप्रेशन होता है, हम क्या करते हैं जब हम कोई भी इमोशनल एक्सप्रेशन दे रहे होते हैं, तो हम उस चीज़ के बारे में अपना कॉग्निटिव फीलिंग्स को जो है वो अपनी उनको एसोसिएट कर रहे होते हैं। कॉग्निटिव फीलिंग्स कौन सी होती हैं? वो फीलिंग्स जो आपके थॉट प्रोसेसेस से, आपकी थिंकिंग से रिलेट करी होती हैं। साइकोलॉजी में कॉग्निशन जो है वो थिंकिंग एंड रीजनिंग को कहा जाता है। ठीक है जी, तो यानी आपका जो इमोशनल एक्सपीरियंस होता है, आपका इमोशनल एक्सप्रेशन होता है, वो एक्चुअली किसी भी चीज़ के बारे में आपकी थिंकिंग को शो कर रहा होता है। ऐसा होता है ना कि जिस चीज़ के बारे में हम जैसा सोचते हैं हम उसके बारे में वैसा ही इमोशन फील करते हैं। जैसे अभी मैंने प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट का आपको बताया, तो अगर हम किसी चीज़ के बारे में प्लेजेंट सोचेंगे तो क्या होगा कि हमारा अच्छा एक्सप्रेशन होगा उसके साथ, क्योंकि हम उसके बारे में अच्छा सोचते होंगे। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट टाइम क्या आ जाता है कि अनएक्सप्रेस जो सिचुएशन होती है,
वो हमारे इमोशन को कैसे डील करती है। अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हमारे इमोशन को कैसे डील करती है। इमोशन ग्रिप्स अ पर्सन व्हेन ही इज नॉट मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर्ड फॉर एन एक्शन। अनएक्सपेक्टेड जो सिचुएशन होती है आपके लिए, वो क्या होता है कि उस टाइम आपको जो एक्सपीरियंस्ड आपका इमोशन होता है, जो आपका एक्सप्रेस्ड इमोशन होता है, वो बहुत नेचुरल होता है, वो समटाइम्स वाइल्ड या फिर अनएक्सेप्टेबल भी हो सकता है। वो किस तरह से कि आप जो हैं, आप जस्ट इमेजिन के आप अपने फ्रेंड के साथ किसी भी मीटिंग में, आप कहीं भी अपने किसी फ्रेंड गेट टुगेदर में गए हैं, किसी फैमिली गेट टुगेदर में गए हैं, वहाँ पे किसी पर्सन ने कुछ ऐसा बिहेव किया जो आपको अच्छा नहीं लगा और आपके लिए वो चीज़ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी, किसी पर्सन ने ऐसी बात कर दी या उसने कोई भी ऐसा काम कर दिया, तो क्या हुआ कि आपके लिए एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन जो है वो जनरेट हो गई। तो हो सकता है कि आपको एकदम गुस्सा आ जाए, आप एकदम से एंगर फील करें, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएँ। तो ये सब क्यों हुआ कि चूँकि आप मेंटली प्रिपेयर नहीं थे इस चीज़ के लिए, आपको ये नहीं पता था कि मैं वहाँ पार्टी में जाऊँगा या जाऊँगी तो इस तरह से होगा, तो आपको एकदम आप इमोशनल सिचुएशन में आ गए, आप एकदम इमोशनल हो गए, आपको समझ नहीं आई कि आप अपना इमोशन किस तरह से जो है वो उसको एक्सप्रेस करें। अगर आपको पता हो कि वो पर्सन जो है वो इस तरह से करेगा या कोई इस तरह की बात होगी, तो आप घर से ही मेंटली प्रिपेयर होके जाएं, आप जाते हैं घर से मेंटली प्रिपेयर होके, और क्या होता कि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन ना होती। तो जितनी सिचुएशन अनएक्सपेक्टेड होती है उतना ही आपका जो इमोशन है वो थोड़ा सा वाइल्ड और अनएक्सेप्टेबल हो जाता है। ठीक है जी, उसके बाद हम आ जाते हैं, देख लेते हैं इमोशन की सिग्निफिकेंस को। इमोशन की सिग्निफिकेंस क्या होती है कि इमोशन जो है किसी भी इंसान के लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है उसके बिहेवियर का। यानी हम अपने इमोशंस की बेस पे ही लोगों के साथ डील कर रहे होते हैं, उनके साथ बातें कर रहे होते हैं, उनके साथ मिल रहे होते हैं, जो हम जैसा इमोशन फील कर रहे होते हैं जिसके बारे में हम उससे उसी तरह ही मिलते हैं। किसी भी इंसान के लिए उसके इमोशंस जो हैं वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। जिस तरह से हम फील करते हैं अपने बारे में भी, दूसरों के बारे में भी, तो हम उनसे उसी तरह ही मिलते हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास इमोशन की सिग्निफिकेंस। उसके बाद हमारे पास आती है मोटिवेशन। किसी भी चीज़ के बारे में आपका जो एक्सपीरियंस्ड इमोशन होता है वो आपको बताता है कि उसके बारे में आप कितने मोटिवेटेड हैं। ठीक है जी, इमोशंस जो हैं वो आपके बिहेवियर को एक्साइट करते हैं। एक्साइट करते हैं मतलब कि जेनरेट करते हैं, उसको पावर देते हैं। आपका बिहेवियर जितना ज़्यादा उसमें इमोशन का एलिमेंट होगा उतना ही इमोशन जो है वो आपके बिहेवियर को एक्साइट करेगा, उतने ही ज़्यादा आप मोटिवेटेड होंगे। जैसे आप स्टडीज़ के लिए जितने ज़्यादा आप जो हैं वो मोटिवेटेड होंगे, जितना अच्छा आप ये फील करेंगे कि मुझे पढ़ना चाहिए या मुझे अच्छी तरह से जो है वो लेक्चर को देखना चाहिए, सुनना चाहिए, आजकल जैसे आप ऑनलाइन लेक्चर्स लेते हैं, तो जितना अच्छा आप इस चीज़ के बारे में फील करेंगे और जितना आप अच्छा इस चीज़ को समझेंगे कि मुझे इस चीज़ के बारे में पॉजिटिव इमोशन जनरेट करना है, तो उतना ही आपकी लेवल ऑफ मोटिवेशन होगा। अगर आप इस चीज़ को अच्छा नहीं सोचेंगे, इस चीज़ के बारे में अच्छा नहीं समझेंगे कि ये तो सही नहीं है, तो क्या होगा कि आप डिमोटिवेटेड होंगे और आपका लेक्चर भी देखने का दिल नहीं करेगा। और एक और चीज़ क्या होती है कि आपका मूड। अच्छा, किसी भी इवेंट के बारे में जब आप कुछ भी सोचते हैं, कोई भी चीज़ फील करते हैं, कोई भी इमोशन फील करते हैं, तो आपका मूड जो है वो बहुत अहम रोल प्ले कर रहा होता है। एक ही चीज़ या एक ही बात, एक ही इवेंट आपको समटाइम्स बहुत ज़्यादा एक्साइट कर रही होती है, आपको बहुत ज़्यादा प्लेजेंट फील करवा रही होती है, और वही बात किसी और मूड में, या आपका मूड सैड हो या ख़राब हो आपका मूड, या आप हैप्पी फील ना कर रहे हो, तो वही बात आपको बहुत ज़्यादा समटाइम्स इरिटेट भी करने लगती है। क्यों? क्योंकि उस वक्त आपका मूड नहीं होता। तो यानी आपका मूड ये डिटरमिन करता है कि आप किस चीज़ के बारे में किस तरह का इमोशन फील करेंगे। नंबर 9 पे हमारे पास बात आती है ड्यूरेशन की। इमोशंस जो हैं वो हम पे बहुत ज़्यादा इमीडिएटली आते हैं, विद इन सेकेंड्स जो हैं वो आ जाते हैं और विद इन सेकेंड्स ही ख़त्म हो जाते हैं।
हमारी थिंकिंग जो है वो ये जो है डिटरमिन करती है कि हमें उन इमोशंस को लेके कैसे चलना है। जिस इमोशन के बारे में हम जितना ज़्यादा सोचते हैं, जिसको जितनी पावर देते हैं, वो उतने ही ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए हम पे जो है वो एम्पावर होके रहता है। ठीक है जी, तो इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि इमोशन जो हैं वो एक बहुत एक कम्प्लेक्स मेंटल स्टेट को डिटरमिन करते हैं हमारे पास। यानी ये सारी चीज़ें जो हैं वो इमोशन को डील कर रही होती हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो समटाइम्स हमें नज़र नहीं आ रहे होते। तो इमोशन जो है वो एक बहुत कम्प्लेक्स फिनोमिना है। डिफरेंट टाइम्स पे हमारी जो सेंसेशन होती है, हमारी परसेप्शन होती है, हमारी थिंकिंग, हमारा मूड, ये सारी चीज़ें हमारे इमोशंस को डिटरमिन कर रही होती हैं। इमोशंस कभी भी ऑल अलोन वर्क नहीं कर रहे होते। तो अब हम देख लेते हैं कि इमोशंस की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। इमोशंस की टाइप्स टाइप्स ऑफ इमोशंस में हमारे पास सबसे पहले आता है एंगर। एंगर आपका वो इमोशन है कि वो आपके ब्रेन को इमीडिएटली जो है वो स्टिमुलेट कर देता है, उसकी एक्टिविटी बढ़ा देता है। जब कोई भी पर्सन कंडीशन ऑफ एंगर में होता है तो क्या होता है, उसका फेस जो है वो रेड हो जाता है, उसकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, उसका पल्स रेट हाई हो जाता है, बॉडी ऑर्गन्स जो हैं वो तेज़ वर्क करना शुरू कर देते हैं, ब्लड जो है वो बहुत तेज़ी से सर्कुलेट करने लग जाता है। दिस इज़ द रीज़न कि आपका जो फेस है वो रेड हो जाता है। समटाइम्स अगर आपको बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आया हो, बहुत ज़्यादा स्टेट ऑफ एंगर में हो, तो इस चीज़ का भी चांस होता है कि आपके ब्रेन की कोई ना कोई जो वेन्स हैं वो रप्चर भी हो सकती हैं। एक हमारे पास इमोशन आता है हैप्पीनेस का। हैप्पीनेस में क्या होता है, ये एक इंडिविजुअल जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, लेकिन वो इस हैप्पीनेस की एक्टिविटी जो है वो एंगर की एक्टिविटी से डिफरेंट होती है। जो पर्सन है उसका फेस हैप्पीनेस में क्या हो जाता है, ब्राइटन्स अप हो जाता है, और आइज़ जो हैं वो रेडिएट करती हैं, आइज़ में एक शाइन आती है, एक ब्राइटनेस आती है। ठीक है जी, और हैप्पीनेस में क्या होता है कि एक पर्सन जो है वो लाफ करता है, हंसता है, तो क्या होता है कि इस चीज़ से उसके लंग्स को जो है वो स्टिमुलेशन मिलती है और वो अच्छी तरह से वर्क करते हैं। ये चीज़ अच्छा इफेक्ट डालती है आपकी बॉडी पे, और ये वाला इमोशन बुरा इफेक्ट डालता है। उसके बाद हम आ जाते हैं फियर पे। जब आप फियर फील करते हैं तो क्या होता है कि आपका जो फेस होता है वो पेल हो जाता है, यानी येलोइश इन कलर हो जाता है, आपकी आईज जो हैं वो डायलेट कर जाती हैं, यानी सिकुड़ जाती हैं, थोड़ा सा अंदर की तरफ चली जाती हैं, आपका जो माउथ होता है वो ऐसे खुल जाता है, आप ऐसे डर से जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि उस टाइम में भी आपकी हार्ट बीट जो है वो तेज़ हो जाती है, स्टमक जो है वो आपका अपनी फंक्शनिंग जो है वो स्लो कर देता है, आपकी डाइजेशन थोड़ी सी अफेक्ट हो जाती है इस चीज़ से। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक इमोशन जिसको हम कहते हैं ग्रीफ। ग्रीफ में क्या होता है कि आपका फेस जो है वो एक बहुत ही पेनफुल सा एक्सप्रेशन देने लग जाता है। नेक्स्ट पर्सन जो कोई आपको कोई देखता है, कोई भी आप जिस किसी से बात कर रहे होते हैं, जिसके सामने आप होते हैं, उसको पता चल जाता है डायरेक्टली कि आप ग्रीफ में हैं या सोरो में हैं। एक पर्सन जो है वो क्या करता है, आपकी वॉइस जो है वो ड्रॉप होने लग जाती है, वॉइस शेक करने लग जाती है, समटाइम्स आपके आईज जो हैं वो वॉटरी हो जाती हैं, यानी बहुत ज़्यादा जब आप इमोशन फील कर रहे होते हैं तो आपको ऐसे आप टीयरफुल सा महसूस करते हैं, आपकी आंखों में जैसे आंसू आते हैं, तो अगले बंदे को उस वक्त भी पता चल जाता है कि आप एक ग्रीफ की सिचुएशन में हैं। और समटाइम्स आप क्या करते हैं कि अपने जो टीथ होते हैं उनको क्लेंच करने की कोशिश करते हैं, या लिप बाइटिंग करना स्टार्ट करते हैं, सो दैट यू मे नॉट बी रिकग्नाइज, ताकि दूसरों को पता ना चले कि आप जो है कोई भी इमोशन फील कर रहे हैं या आप किसी भी ग्रीफ की स्टेट में हैं। ठीक है जी, और एक हमारा इमोशन होता है जिसको हम कहते हैं सरप्राइज। सरप्राइज़ हमारा वो वाला इमोशन होता है जिसमें हमारा माउथ जो है वो खुल जाता है, हमारी आईज़ वाइडन हो जाती हैं,
एक बिल्कुल मोशनलेस सी स्टेट में हो जाते हैं, हम जहाँ खड़े होते हैं या जहाँ बैठे होते हैं वहीं के वहीं रह जाते हैं, उसी पोजीशन में हम हो जाते हैं। हम बिल्कुल एक ज़्यादा एक हैरान से हो जाते हैं। जिस सरप्राइज जो है कोई नेगेटिव सरप्राइज भी हो सकता है, पॉजिटिव सरप्राइज भी हो सकता है। पॉजिटिव सरप्राइज में जो है आप अच्छा फील करते हैं और वो आपको हैप्पीनेस की तरफ ले जाती है। नेगेटिव सरप्राइज होता है तो वो आप ग्रीफ में भी चले जाते हैं या फिर फियर में भी या फिर एंगर में भी चले जाते हैं। ठीक है जी, अब हम देख लेते हैं इमोशन की थ्योरीज के बारे में। हमारे पास इमोशंस की 2 थ्योरीज हैं। फर्स्ट थ्योरी इज जेम्स लैंग थ्योरी। ठीक है जी, फर्स्ट थ्योरी हमारे पास है जेम्स लैंग की थ्योरी। जेम्स लैंग की थ्योरी हमें ये बताती है कि हम किसी भी स्टिमुलस को जब देखते हैं तो क्या होता है कि हमारी बॉडी एक अराउजल की कंडीशन में आती है। और अराउजल से क्या होता है कि हम इमोशन फील करते हैं। जैसे आप कहीं भी जा रहे हैं, आप एक रोड पे जा रहे हैं, तो क्या हुआ है कोई छोटा सा कोई आपको इंसेक्ट दिखाई दिया है या कोई आपको रैट दिखाई दिया है या कोई आपको बैट या कोई आप ट्री है उस पर कोई चीज़ है, तो क्या होगा कि वो चीज़ जो कोई भी आपको नज़र आई वो क्या था, आपका परसीव स्टिमुलस था, वो कोई एनिमल था या इंसेक्ट था। तो ऑब्वियसली आप ज़रा उसको देख के डर गए। हमने जो इमोशंस पढ़े हैं उसमें से कौन सा फील हुआ डर की कंडीशन में, आपको फियर। फियर आपको क्यों फील हुआ कि आपकी बॉडी ने आपको साइकोलॉजिकली अराउज किया, फियर के केमिकल्स रिलीज किए आपकी बॉडी ने, उस स्टिमुलस की बेस पे आपने फियर फील किया, फियर की केमिकल्स रिलीज हुए तो क्या हुआ आपने इमोशन फील किया। इमोशन आपने कौन सा फील किया, फियर। फियर आपने फील किया तो क्या हो गया कि आपका फाइट और फ्लाइट वाला रिस्पांस एक्टिव हो गया। फाइट और फ्लाइट वाला रिस्पांस हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम वाले लेक्चर में कि आपकी बॉडी या तो आपको ये कहेगी कि मैंने इधर ही खड़े होकर फाइट करना है और मैंने देखना है और मैंने अपना बचाव करना है और मैंने किसी तरह इस सिचुएशन से फाइट करना है, कोई ना कोई वे आउट ढूंढना है, या फिर आप क्या करेंगे कि आप वहाँ से रन कर लेंगे, आप भाग जाएंगे, आप जो है वो फ्लाइट के मोड में चले जाएंगे। तो जेम्स लैंग थ्योरी हमें बताती है कि कोई भी जो स्टिमुलस होता है वो नंबर 1 पे आता है, सबसे पहले स्टिमुलस होता है, उसके बाद उसकी बेस पे हमारा अराउजल होता है और नंबर 3 पे हमारा इमोशन होता है। यानी ये चीज़ें स्टेप्स में काम करती हैं। ठीक है, ये थ्योरी हमें दी थी विलियम जेम्स ने और कार्ल लैंग ने। ठीक है जी, हम डिफरेंट डिफरेंट जो हैं वो स्टिमुलाई को परसीव करते हैं अपने एनवायरनमेंट में। हमारा जो अटेंशन का स्पैन है, हमारी जो परसेप्शन है, जिस चीज़ को भी वो कैच करती है उस स्टिमुलस की कैटेगरी की बेस पे या किसी भी चीज़ की बेस पे हमारी वहाँ पे अटेंशन जाती है। अटेंशन के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अटेंशन क्यों जाती है किसी भी चीज़ की तरफ। तो जब हमारी किसी चीज़ की तरफ अटेंशन जाती है तो हमारी बॉडी अराउज होती है, अराउजल की बेस पे हम फीलिंग को फील करते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स चेंजेस प्रीसीड्स द इमोशन। यानी आपकी बॉडी में जिस तरह का अराउजल आता है, जिस तरह का आपका साइकोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली आपकी बॉडी वर्क करती है, वो ये चीज़ डिटरमिन करती है कि आप कैसा फील करेंगे। इसी तरह की जो मैंने आपको बैट की या एग्जाम्पल दी, इस सिचुएशन में अगर आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा अराउज नहीं होगी और आप नॉर्मल कंडीशन में रहेंगे तो आपको फियर फील नहीं होगा और आप उसी तरह अपने वे में चलते रहेंगे। लेकिन अगर आपकी बॉडी जो है वो इतनी ज़्यादा अराउज हो गई है और आपने उस बारे में इतना ज़्यादा सोचा है तो क्या होगा कि आपको वो इमोशन बहुत स्ट्रांगली फील करने आप लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपको वो इमोशन फील होगा। अराउजल जो है वो बेसिक ये चीज़ डिटर्मिन करता है कि आप क्या फील करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। ठीक है जी, इस थ्योरी के हमारे पास कुछ जो हैं वो हमारे पास क्या है, क्रिटिसिज्म्स हैं। क्रिटिसिज्म्स हमारे पास क्या है कि इमोशंस और साइकोलॉजिकल चेंजेस जो हैं वो रिलेटेड होती हैं लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप नहीं होती। ठीक है जी, यानी ये चीज़ एक क्रिटिसिज्म ये है कि ये और ये आपस में रिलेट तो कर रहे होते हैं लेकिन स्टेप बाय स्टेप नहीं होते।
और ज़रूरी नहीं होता कि किसी फिजिकल स्टिमुलस की प्रेजेंस में ही आप अराउजल करें। बाज़ अवकात आप किसी चीज़ के बारे में सोच भी रहे होते हैं तो भी आपको समटाइम्स उसके बारे में कोई इमोशन फील हो जाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि स्टिमुलस आपके पास प्रेजेंट हो। एक इसका हमारे पास ये है क्रिटिसिज्म कि अगर फिजियोलॉजिकल अराउजल ही इमोशन को डिटरमिन करता है तो हर इमोशन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस से होता हो, जबकि ऐसा नहीं है। हर इंसान के जो इमोशंस होते हैं वो डिफरेंटली वर्क करते हैं। कोई चीज़ किसी एक पर्सन को अगर अराउजल दे सकती है तो वो किसी दूसरे पर्सन के लिए बिल्कुल भी अराउजिंग नहीं होगी, दूसरा पर्सन उससे इस तरह से अराउज नहीं होगा। ठीक है जी, उसके बाद हम लास्ट थ्योरी पढ़ लेते हैं, नंबर टू। ये है हमारे पास कैनन बार्ड थ्योरी। कैनन बार्ड जो है वो हमारे पास थ्योरी वो क्या कहती है कि लास्ट थ्योरी में जो हमने परसीव स्टिमुलस देखा था कैनन बार्ड थ्योरी हमें बताती है कि फिजियोलॉजिकल अराउजल और एक्सपीरियंस्ड इमोशन ये साइड बाय साइड हो रहे होते हैं, साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं, एक ही टाइम में हो रहे होते हैं। यानी किसी भी स्टिमुलस को जब हम देखते हैं तो एक ही टाइम में उसके फौरन बाद हम फिजियोलॉजिकल अराउजल भी फील करते हैं और साथ ही इमोशन एक्सपीरियंस भी करते हैं। हम ये नहीं करते कि स्टेप बाय स्टेप हो, पहले स्टिमुलस हो फिर ये हो फिर ये हो। ठीक है, दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जेम्स लैंग थ्योरी एंड कैनन बार्ड थ्योरी। कैनन बार्ड थ्योरी बेसिकली जेम्स लैंग थ्योरी के क्रिटिसिज्म को बेस करते हुए बनाई गई है कि फिजियोलॉजिकल अराउजल जो है वो अलोन डिटरमिन नहीं कर रहा होता कि हम कौन सा इमोशन फील कर रहे हैं, जब बल्कि ये साइड बाय साइड दोनों काम कर रहे होते हैं। ठीक है, कैनन एंड बार्ड जो है वो हमारे पास कहते हैं कि डिफरेंट जो हमारे इमोशंस होते हैं दे आर एकॉम्पनीड बाय सिमिलर फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। तो समटाइम्स डिफरेंट जो सेम फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं वो डिफरेंट इमोशंस को भी डील कर रही होती हैं। इस थ्योरी का मेन कंसेप्ट ये है। वो कैसे, जैसे हमने अभी बेसिक इमोशंस पढ़े, हमने पढ़ा एंगर और हैप्पीनेस। क्या होता है, एंगर में भी आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, हैप्पीनेस में भी आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। अब अगर किसी की हार्ट बीट तेज़ हुई है और वो हैप्पी है तो इसका क्या, हम ये तो नहीं उसको कह देंगे जेम्स लैंग की बेस पे कि वो पर्सन जो है वो एंगर में है, जाहिर है वो हैप्पीनेस में है। तो दिस इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ बेसिकली जेम्स लैंग थ्योरी। ठीक है जी, यानी फिजियोलॉजिकल अराउजल और इमोशन एक्सपीरियंस जो है ये दोनों इकट्ठे काम कर रहे होते हैं। इस थ्योरी का हमारे पास क्रिटिसिज्म है, वो क्या है कि हम इस थ्योरी का जो बेसिक एक एलिमेंट है वो हमारे पास है थैलेमस। ठीक है जी, इस थ्योरी के मुताबिक ये चीज़ें तो साइड बाय साइड हो रही होती हैं और थैलेमस जो है हमारी हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है। आप लोग ये याद रख लें, थैलेमस ऑक्यूपाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन इंड्यूसिंग इमोशंस। ठीक है, यानी आप जो भी कोई इमोशन फील कर रहे होते हैं वो आपको थैलेमस बताता है कि आपने किस तरह का इमोशन फील करना है। जिस तरह से आपका थैलेमस वर्क करता है आप उसी तरह का इमोशन फील करने लग जाते हैं। ठीक है, अगर आपका थैलेमस जो है वो आपको हैप्पी फील करने में हेल्प करेगा तो आपके हैप्पी केमिकल्स रिलीज होंगे और आप हैप्पी फील करेंगे। अगर आपका थैलेमस आपको सैड जो है वो दे रहा है, रिएक्शन दे रहा है, तो आप क्या करेंगे कि सैड मैकेनिज्म क्रिएट होगा और आप सैड फील करेंगे। इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म क्या है कि क्रिटिसिज्म तो इसका ये है कि थैलेमस अलोन जो है वो ये चीज़ डिटरमिन नहीं कर रहा। ठीक है जी, डिफरेंट बिहेवियरिस्ट हमारे पास ये कहते हैं। सेकंड क्रिटिसिज्म ये है कि जो ऐसे एनिमल्स होते हैं कि जिनमें
बैकबोन होती है, जैसे ह्यूमन बीइंग हो गए, ये जैसे चम्पेंजीज हो गए या ये वाले एनिमल्स, इनमें बैकबोन होती है, जबकि सम जो एनिमल्स होते हैं, जो लिविंग बीइंग्स होते हैं, उनमें बैकबोन नहीं होती। ठीक है, तो जो क्या होगा कि जो जिन एनिमल्स में बैकबोन होती है वो फ्यू इमोशंस जो हैं वो शो करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा एक क्रिटिसिज्म क्या है, द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल स्टेट्स बिकम्स ईदर वीक और एक्सटिंक्ट, दिस इज नॉट ट्रू, कि थैलेमस की बेस पे हमारा जो इमोशनल रिएक्शन है या तो वीक हो जाएगा या फिर स्ट्रांग हो जाएगा, बट दिस इज नॉट ट्रू। एक खाली थैलेमस ही नहीं, क्या इसके साथ एक ऑर्गन होता है कॉर्टेक्स, वो भी वर्क करता है। एक पॉइंट हमें ये भी बता रहा है, ठीक है जी, और एक पॉइंट हमें क्या बता रहा है कि हाइपोथैलेमस एक आपकी बॉडी में ऑर्गन होता है ब्रेन में, वो भी रोल प्ले करता है। यानी बेसिक अगर आप इन 3-4 पॉइंट से ये अंदाज़ा लगाएं तो क्रिटिसिज्म बेसिक क्या है इस थ्योरी पे, वो यही है कि थैलेमस अलोन जो है वो कोई भी रोल प्ले नहीं कर रहा होता हमारी इमोशन के एक्सपीरियंस में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। इसमें हमने देखा कि इमोशंस क्या होते हैं, उनकी साइकोलॉजी क्या होती है, उनकी टाइप्स क्या होती हैं और थ्योरीज ऑफ इमोशन क्या क्या होती हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।